वो जिंदा है। जी सत्यव्रत, हम अपने सहयोगी सत्यव्रत के साथ दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज एक फिर एक ऐसी खबर रिम्स से आई है जो चौंकाने वाली है। एक महिला का आईसीयू में इलाज चल रहा होता है, डॉक्टर पहले परिजनों से कहते हैं कि वो मर चुकी है, उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बना दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर कहा जाता है कि नहीं, वो जिंदा है। जिंदा मरीज को मृत घोषित कर दिया जाता है रिम्स में, डेथ सर्टिफिकेट भी बना दिया जाता है और कुछ घंटे बाद कहा जाता है कि महिला जिंदा है। आखिर कब सुधरेगी रिम्स की व्यवस्था, ये एक बड़ा सवाल। रिम्स एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि एक जिंदा महिला को मृत घोषित कर दिया जाता है। अंशु देवी महिला का नाम है, जिंदा मरीज को मृत घोषित कर दिया गया और कुछ घंटे बाद कहा गया कि नहीं, वो जिंदा है। परिजन ने की कफन लकड़ी की व्यवस्था और कुछ घंटे बाद डॉक्टर ने मरीज को जिंदा बताया। फिर एक बार रिम्स की लचर व्यवस्था सामने आई है। हाई कोर्ट की फटकार के बाद भी नहीं बदल रहा रिम्स। रिम्स एक बार फिर सुर्खियों में, अंशु देवी का सर्जरी आईसीयू में चल रहा था और तब डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि वो मर चुकी है और कुछ घंटे बाद फिर बताया जाता है कि नहीं, वो जिंदा है। मरीज का डेथ सर्टिफिकेट भी बना देते हैं। और फिलहाल हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ चुके हैं रांची से। सत्यव्रत, आपसे जानना चाहेंगे आखिर कब सुधरेगा रिम्स, क्योंकि आज फिर एक ऐसी ही खबर सामने आई है। एक महिला जिसका इलाज चल रहा होता है आईसीयू में, उसे बताया जाता है कि वो मर चुकी है, परिजन भी रोना धोना शुरू कर देते हैं, उसके बाद कुछ घंटों बाद कहा जाता है कि नहीं, वो जिंदा है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा डिंपल आपने, रिम्स प्रबंधन ने यह कसम खा रखी है कि वो अपनी व्यवस्थाओं पर सुधार नहीं करेगा, लेकिन न्यूज 11 भारत ने भी यह कसम खा रखी है कि न्यूजीलैंड के रिम्स की जो व्यवस्था है वो हम सुधार कर रहेंगे। और यही कारण है कि अजब रिम्स की गजब कहानी और रिम्स की नई करतूत देखिए। आपको याद होगा डिंपल कि दो दिनों पहले हमने एक रिपोर्ट दिखाया था कि रिम्स के शिशु विभाग के आईसीयू में एक ही बेड पर जिंदा और मुर्दा दोनों का इलाज हो रहा था। और अब ताजा मामला देखिए कि हजारीबाग की रहने वाली 35 वर्षीय अंशु देवी, जिसे कि रिम्स के सर्जरी विभाग के आईसीयू में भर्ती किया गया था, महिला को हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, लकवा की समस्या से परेशान है और सुबह 8 बजे मरीज के परिजनों को यह सूचना दी जाती है कि आपके मरीज की मौत हो गई है, यहां तक कि मरीज को डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है और जो बॉडी केयरिंग सर्टिफिकेट होता है, यानी कि उस महिला का मृत्यु प्रमाण पत्र तक जो है वो निर्गत हो जाता है। और 12 बजे दोबारा परिजन मरीज जो है वो परिजनों को सूचना देते हैं कि आपका मरीज अभी भी जिंदा है।
आप समझिए कि एक जिंदा मरीज को मुर्दा घोषित कर दिया जाता है और परिवार वालों में रोने पीटने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। परिजनों ने हमें बताया कि उस महिला के अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली गई थी, उस महिला के लिए कफन तक खरीद लिया गया था, मात्र रिम्स के कुछ चिकित्सकों की लापरवाही के कारण 8 बजे उस महिला की मौत हो जाती है। मौत के बाद बॉडी को देने का जो प्रक्रिया है वो किया जाता है, परिजन अपने स्तर से अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेते हैं और 12 बजे फिर उसी महिला को जीवित घोषित कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं रिम्स के जो कुछ कर्मचारी है वो अभी भी एनेस्थीसिया के नशे में है, क्योंकि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल के कर्मचारियों को यह तक पता नहीं चल पा रहा है कि मरीज जिंदा है या मर गया। 8 बजे मरीज को मृत घोषित कर दिया जाता है, 12 बजे मरीज वापस से जिंदा हो जाता है। तो यही अजब रिम्स की गजब कहानी है डिंपल जी। सत्यव्रत किरण, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आखिरकार कब सुधरेगा रिम्स, यही सवाल हम सबके मन में है, क्योंकि आज फिर एक बार एक ऐसी खबर आई है जो चौंकाने वाली है। एक महिला जिसका इलाज चल रहा होता है उसे मृत घोषित कर दिया जाता है और कुछ घंटे बाद फिर उसे जिंदा बताया जाता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।